समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है इस पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बार बार के जी वो फलाना कायदे आ रही है, किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है उसमें ये चीज तो वाजे है ना कि मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वाजे है ये। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। हम ऐसे कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं? अच्छा, तो मैं ये अब आपको